सर फर्स्टली योर इंट्रोडक्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज दिस, क्या सब्जेक्ट है, स्टार कास्ट के बताइए और आज के बारे में बताइए कि रिकॉर्डिंग जो रही है वो क्या सिचुएशन है, कौन सिंगर है और किस तरह का गाना है। आप शुरू कीजिए, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, पेंसिल स्टार्ट। हाय, दिस इज श्रीजिता घोष। टुडे वी आर हियर फॉर दैसर चेकना का मुहूर्त। दिस इज रियली अ प्रिविलेज मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। And मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट टू एंड आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ मूवीज इन साउथ एंड टी वी सीज ऑल्सो। दिस इज माई फर्स्ट मूवी इन बॉलीवुड, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर द मोमेंट विद ऑल ऑफ यू। एंड दैसा चिकना का इज समथिंग अबाउट अ सोशल अवेयरनेस क्रिएटिंग मैसेज मूवी। दिस हैज़ लॉट्स ऑफ यू नो वेराइटीज एंड मोमेंट्स एंड गर्ल a girl or anybody if she is missing from Kashmir or something, a place, Kashmir से अगर मुंबई में अगर कोई भी lost हो जाता है तो जो अलग अलग हम लोगों का धाराएँ हैं और वहाँ का जो moment, मतलब वहाँ का जो पुलिस है और यहाँ का जो पुलिस है, वो लोग कैसे एक मतलब लड़की को वहाँ से निकालते हैं और उसके ऊपर पूरा मूवी है। सो इट्स लाइक अ इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ स्टोरी, इट हैज़ लॉट्स ऑफ थ्रिलिंग आई गेस एंड सस्पेंस इज देयर, सो मच सस्पेंस इज देयर। सो आई थिंक हम लोग शुरू करने वाले हैं, आगे आप बोलेंगे। जी जी, तो जैसे कि इन्होंने बताया, दही सर चेकना का बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो एक चीज़ की खोज में निकलती है। वो क्या चीज़ है, वो क्या सिचुएशन है, वो अभी हम नहीं बता सकते बिकॉज इट्स अ सस्पेंस एंड हम ओपन नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि कश्मीर और भारत के बीच में अभी लॉज को लेकर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, धाराओं को लेकर डिफरेंसेस हैं, तो इस सिचुएशन को लेकर ये इस 370 वाली धारा की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे सिचुएशंस उभरते हैं, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक कॉप का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कि मुंबई में एक मराठी कॉप है, और ये कहानी जब कश्मीर से बॉम्बे आएगी तब मेरा पार्ट बेसिकली रिवील होगा, और जो कि एक जो सस्पेंस है उस सस्पेंस को खोलने में जहाँ तक मुझे पता है मेरा अहम हिस्सा होने वाला है। सो लाइक शी सेड, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दही सर चेकना का। आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, रियल्स सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही है, पब्लिक आज नॉर्मल कमर्शियल फॉर्मूले वाले फिल्म से काफ़ी ऊब गई है, तो हमें भी काफ़ी होप्स हैं कि ऐसी एक हार्ड हिटिंग और रेलिवेंट सब्जेक्ट है उससे पब्लिक जुड़ना चाहेगी और पब्लिक देखना चाहेगी, और बहुत सारा इंथुजियाज़म होगा पब्लिक में जब उन्हें पता चलेगा कि ये दही सर चेकना का एग्जैक्टली क्या है। Okay, and I wanted to ask you, sir. You know, we have seen you working in the industry for long. We also seen you in Crime Patrol as an inspector. You know, right. How different would be that inspector role you would play in Dahisa Chetnaka? Because it's a Marathi guy. Right. Are you going in some sort of workshop or something? No, I don't think I'll be doing a lot of workshops or anything. But जहाँ तक मराठी का सवाल है, मैं मुंबई का लड़का हूँ, मराठी मैंने स्कूल में सीखी है और थोड़ी बहुत बेसिक मराठी बोलना आता है मुझे, और भी काफ़ी एपिसोड्स में मैंने वो मराठी टच वाले कैरेक्टर्स किए हैं। तो वर्कशॉप्स वगैरह तो वो हमारे सर अनिल सर जो हैं डायरेक्टर, उनके ऊपर बेस, उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो वर्कशॉप करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे। लेकिन क्राइम पेट्रोल में जो मैंने कॉप के कैरेक्टर्स किए हैं वो ज़्यादातर मैंने नॉर्थ बेस्ड किए हैं। दे वेन एवर इट्स अ पंजाब स्टोरी वो लोग मुझे बुलाते हैं, पता नहीं क्यों। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई बी प्लेइंग अ महाराष्ट्रियन कॉप, और हमने पर्दे पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को कॉप्स प्ले करते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों से तो इंस्पिरेशन लूँगा ही लूँगा मैं, लेकिन देखूँगा कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी तरफ से मैं अगर कुछ उसमें तड़का डाल सकूँ या कहीं पर ऐसे कुछ सिचुएशंस है जिसमें मैं अपना कुछ योगदान दे सकूँ, तो वो तो सेट पर जब जाएंगे और सीन्स पर काम करेंगे
तभी पता चलेगा. ओके क्या आई बिलीव यू हैव सीन बाजीराव मस्तानी द वे द स्पेशली द डिक्शन. यस मैं लहजे की बात करता हूं. यस यस रणवीर ने जिस तरह से अदा किया वो लहजा नजर आता है कि मराठी का है. जी जी जी. क्या उस तरह की कोई डिटेलिंग में जाएंगे आप कि वो लहजा लगे आपको अलग करे क्योंकि बीइंग प्लेइंग अ कॉप. बिल्कुल बिल्कुल डिटेलिंग में जाएंगे. अगर हम महाराष्ट्र एक मराठी कॉप की बात कर रहे हैं तो वो लहजा तो आएगा ही आएगा. जाहिर सी बात है बहुत सारी लाइंस भी मैं चाहूँगा कि वो मराठी में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ बिकॉज हम आम तौर पे हम बॉम्बे में भी देखते हैं जब कॉप्स बात कर रहे होते हैं तो वो महाराष्ट्रियन कॉप्स जो होते हैं वो हिंदी मराठी वो मिक्स करके बोलते हैं. तो वो फ्लेवर तो डेफिनेटली इसमें हम ले आएंगे बिकॉज तभी कैरेक्टर का मज़ा है. तो उस डिटेलिंग में तो हम जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली. टू द एक्ट्रेस, क्या ये हाफ विडो की कहानी है? अगर मैं कश्मीर की बात करूं या मैं धारा 370 की बात करूं, बहुत से लोग बहुत से मैं कहूंगा महिलाओं के शौहर या पति जो मिले नहीं है, हाफ विडो कहा जाता है उन्हें कश्मीर में, क्या ये उसके संघर्ष की कहानी है जो निकली है ढूंढने की, भाई मेरा पति कहाँ है? ये तो हम नहीं बता सकते. दिस इज द सस्पेंस. अभी हम नहीं खोल सकते कि किस चीज़ के लिए खोज में निकली है. बट ऑफ कोर्स इट बेस्ड ऑन यू नो वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में और कैसे किस चीज़ के लिए एक लड़की खोज में निकलती है उसके ऊपर स्टोरी है. आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर एंड स्टोरी जो है कहीं पे जाके मतलब फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में जाके बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है उस लड़की के लिए और वो उस चीज़ से कैसे निकलती है, कैसे आगे बढ़ती है और क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचती है इसके ऊपर स्टोरी है. आर यू पीपल आर फॉलोइंग द स्ट्रेटजी ऑफ विद्या बालन व्हिच शी हैव डन ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ कहानी? शी यूज्ड टू ट्रैवल यू नो इन अ डिसगाइज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन. फिर बाद में जब आप फिल्म देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो पूरी दुनिया ही अलग है. तो क्या ये खास USP बना के चल रहे हैं आप लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी या प्रमोशन स्ट्रेटजी की, एक लड़की है निकली है ढूंढ रही है? मुझे लगता है ये स्टोरी कहानी से तो काफ़ी मतलब डिफरेंट है. इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जो वहाँ पे जो अलग सी रिवेंज वाली बात थी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कहानी तो लिटिल बिट रिवेंजफुल है बट नॉट लाइक मतलब जो विद्या वालों ने जो प्ले किया था वैसा कुछ नहीं है. पर बोल सकते हैं कि लाइक फॉर लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब सोशल एक अवेयरनेस क्रिएटिंग मूवी है और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत लोग जो इंडिया में बहुत चीज़ों के बारे में बहुत लॉस के बारे में नहीं जानते उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लड़कियों के लिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जाएगा. Yeah, the last question to you, sir. Yeah. You know, yeah. I keep on asking this, but I also want to repeat myself. Yeah, sure, sure. Do you think you are one of the most underrated actor who can be used potentially, and you have not been used, or you don't do you know? Gee, okay, sir. Yes, sir. With the producer. No, actually, I am a very gee, okay, sir kind of a person. जैसे कि जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो सब यही कहते हैं कि आई एम एन अकोमोडेटिंग एक्टर. अंडररेटेड आप कह रहे हैं तो मुझे ये सुन के खुशी हो रही है कि समवन फील्स दैट आई एम मे बी आई हैवन गॉट द काइंड ऑफ पार्ट्स दैट आई डिजर्व. बट सर ऐसा है कि वन हैज़ टू जस्ट गो विद द फ्लो. आपको मतलब मेरे करियर में एक ऐसा फेज आया था जिसमें मैंने अपने करियर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी. मैंने सोचा था कि मैं ऐसा ही काम करूंगा और सिर्फ फिल्में करूंगा और सिर्फ ये करूंगा. लेकिन वो जो मेरे 3 साल मेरी लाइफ के थे और वो जो मेरा करियर का डिसीजन था वो सबसे ख़राब डिसीजन था बिकॉज अपनी इंडस्ट्री बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ ओपननेस इन द इंडस्ट्री. और कभी कैंप सर तो कैंप तक तो सर मैं आज तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ, वो तो बहुत दूर की बात है. राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ कि वॉट एवर आई एम गेटिंग आई एम डूइंग. हाँ मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है कि कहीं पे भी कोई मतलब आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क जिससे कि मतलब जो थोड़ी बहुत मेरी इमेज है वो ख़राब हो या कहीं पे वो डिग्रेड हो. बट यस आई एम नॉट वेरी चूजी अबाउट माई वर्क राइट नाउ. आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विथ एवरी वन. जो लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं और जो भी पार्ट्स मुझे दे रहे हैं मैं पूरी शिद्दत के साथ वो काम करना चाहता हूँ. Thank you, sir. Okay. मेन पार्टी बाकी रही है सर. एक बोले बीच में सर कुछ यहां से प्रभात यहां से बात चलो किससे से. अरे एक मिनट अभी रेडी नहीं. प्रभात सर इधर आइए ना. रोरेन हां चलो रोर.
सर फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन एंड व्हाट वाज योर मूवी देसर चिकना का किस तरह सब्जेक्ट और क्या मोटिवेट किया फिल्म बनाने के लिए बताइए मुझे फिल्म का जो सब्जेक्ट है बेसिकली थोड़ा डिफरेंट मूड उठाया हमने वैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत आती है ह्यूमन पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत सारी फिल्मों में देखे हुए लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए क्योंकि एक कश्मीर से लड़की जो गायब हुई है जो करेक्टर गायब हुआ है उसको ढूंढने के लिए अगर कोई भी मुंबई या इंडिया के किसी पार्ट में भी जाता है वहाँ केस फाइल करने के लिए उसको 370 की धारा 35A की धारा और बहुत सारे धाराओं को सामना करना पड़ता है जिसमें वो केस फाइल ही नहीं हो पाता है वहाँ का कोई पुलिस वाला इंडिया के किसी पार्ट में नहीं आ पाता इंडिया का कोई पार्ट वाला वो कश्मीर के किसी पार्ट में जाके इंक्वायरी नहीं कर सकता तो इंडिया में है कश्मीर कश्मीर हमारा पार्ट है एक हम है खुद पूरा हमारा हाथ है कश्मीर लेकिन हाथ को यूज़ नहीं कर सकते उसका संविधान अलग है उसका झंडा अलग है उसका तौर तरीका अलग है क्यों उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया है इस फिल्म में एक सस्पेंस स्टोरी है जिसका बेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वो कहानी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है वो आप देखेंगे तो पता चलेगा दूसरा कि जो जम्मू कश्मीर में एक अनिल जी ने जैसे बताया कि कहानी पूरी डिफरेंट टाइप की है जो जम्मू कश्मीर में जो 370 की धारा लगती है तो हिंदुस्तान में आज तक 370 की धारा का प्रॉपर मतलब 70-80% को मालूम नहीं कि 370 की धारा का एक्चुअल क्या मतलब होता है तो उस धारा को हमने भरपूर इस फिल्म में यूज़ किया है कि एक लड़की को क्या दिक्कत आती है जब 370 की धारा लेके बम्बई में आती है तो ये हर चीज़ हमने इस पिक्चर में ले ली है जो पूरी डिफरेंट स्टाइल लगे और सस्पेंस थ्रिलर में जो चीज़ आज तक ना आई हो लेकिन कहना चाहूँगा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो दिखाया गया ये दिखाया गया कि कश्मीर एक अलग ही राज्य है मतलब वहाँ के जो लॉज हैं या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो क्या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं नहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं मगर जो हकीकत है कि जो एक ही कंट्री में एक ऐसा रूल भले बरसों पुरानी कलम लगी हुई है 370 की धारा मगर एक ही कंट्री में रूल से दिक्कत क्या आती है फायदा क्या होता है वो पूरी चीज़ ये पिक्चर देखने के बाद सबको पता चलेगा जो 80% लोगों को पता नहीं और कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझिए कि एक जो धारा है वो धारा हमें पाबंद कर देती है कि हम कश्मीर को अपना पार्ट होने के बाद भी नहीं बोल सकते कि कश्मीर हमारा पार्ट है हम ये नहीं चाहते कि कोई ये बोले कि कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठा रहे हैं कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं लेकिन इंस्पायर्ड कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको सर मैं खुद भुगत भोगी हूँ वहाँ से ये खुद कश्मीर गए थे वहाँ पे इनका 370 का धारा का हिस्सा खुद बन के आए थे तो इसने खुद एक दिक्कत झेली थी इसके लिए उसने खुद ये लाइन बनाई और हम दोनों ने मिलके इसको अच्छी तरह से डेवलप किया और सर 370 धारा में जैसे कि वहाँ अपना झंडा लगा नहीं सकते वहाँ अपनी अपने यहाँ के लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं 370 में धारा चालू होती है और अपने वहाँ के लोग यहाँ की यहाँ सब कुछ मतलब कुछ भी एक बिजनेस पॉइंट चालू कर सकते हैं इसके ऊपर अपने कुछ सब हाँ हर चीज़ इसमें आ गई है और उसकी डिटेलिंग अनिल जी बताएंगे क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस हो चुका है तो इनको ज़्यादा पता है कि 370 में क्या क्या झेलना पड़ता है और क्या नहीं झेलना पड़ता है प्रॉब्लम है सर देखो ऐसा है बिजनेस से रिलेटेड हमने कुछ हाईलाइट नहीं किया हमने दिक्कतें एक आदमी को जो दिक्कत होती है वहाँ के आदमी को भी दिक्कत होती है यहाँ के आदमी को भी दिक्कत होती है ऐसा नहीं है कि वहाँ वाला सुखी है कि 370 है तो वहाँ वाला कुछ लोग वहाँ हैं जो पर्टिकुलर जिनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ लेकिन आज जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ के उनसे अगर पूछोगे जाके तो उनको 370 नहीं भाता है वो खुद अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं वहाँ से बहुत सारे लोग हैं तो वो 370 की धारा का मतलब ये नहीं कि वहाँ वाले खुश हैं यहाँ वाले खुश नहीं हैं दोनों चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले खुश हैं वहाँ वाले नहीं उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया कि क्या प्रॉब्लम्स आती है हमने प्रॉब्लम्स को दिखाया कि एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी वहाँ से कोई मिसिंग हो या यहाँ से कोई मिसिंग हो तो उसको फाइल करने के लिए आपको 365 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो भी केस फाइल नहीं होता आपका तो सर ये कहना चाहूँगा कि किस तरह से इसको मतलब सब्जेक्ट काफ़ी मतलब सेंसेशनल भी है काफ़ी मीनिंगफुल भी है क्या कहना चाहेंगे किस तरह से प्रमोट होना है फिल्म फेस्टिवल से एक बड़ा मीडियम होता है फिल्म फेस्टिवल तक ये फिल्म को भेजना चाहेंगे देखो हम हर चीज़ को मेंशन करके चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक में पहले एक बार अवेयरनेस आए कि ये चीज़ क्या है फिर फेस्टिवल भी होगा कमर्शियल सब्जेक्ट भी है हमने गाने भी अच्छे से बनाए हैं उसमें मोहित जी गा रहे हैं
प्रियंका नेगी गा रही है और सिंगर जो बड़े सिंगर है हमारे साथ गा रहे हैं, हमने उसमें लव स्टोरी एक ट्रेंगल भी डाला हुआ है पूरा का पूरा, वो लव स्टोरी भी है, सब चीज़ें मेंटेन की है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक धारा को पकड़ के पूरी कहानी को शेप दिया, ऐसा नहीं है, वो पूरा एक कॉमर्शियल बेस है उस फिल्म का, जिसको देख के इंटरेस्ट भी लगेगा और थोड़ा आपको सस्पेंस भी दिखाई देगा उसमें, वो सस्पेंस देखने के बाद ही आपको फील होगा। स्टारकास्ट की बात करें तो जो आपने चुनाव किया कंगना शर्मा जी का, दूसरा मुमताज और भी रिकॉग्नाइज चेहरा है उसमें जो चेहरा है हमारे, जैसे रुशाद राणा जी हैं, रुसलान मुमताज है, कंगना है, अरुण बख्शी है, मुकुल देव हैं, ये मेन करेक्टर जो है हमारी कंगना है, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, जो एक एक्शन मास्टर भी दिखाई है हमने उसमें और वो बेस दिखाया हमने उसका, तो हमने उस बॉडी बिल्ड को देख के हमने कंगना को फाइनल किया है, क्योंकि मेन फीमेल बेस ही है, हीरो तो हमारा थोड़ा कम ही उसमें है, मेन फीमेल बेस है। तो शूटिंग कहाँ होने वाली है और कब तक फिर पर्दे पर आने वाली है? हम लोग अभी कश्मीर में जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ नवंबर में, 10 से 15 दिन का शेड्यूल पहले हमारा कश्मीर है, बाकी बॉम्बे का पूरा शेड्यूल है, 25 30 दिन 35 दिन का जो भी शेड्यूल जाएगा वो बॉम्बे जाएगा। पर्दे पर कब तक आने वाली है? टारगेट तो जून जुलाई का है, लेकिन फिर भी देखते हैं कब तक पूरा शेड्यूल पूरा हो जाए, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है, जून जुलाई का एक टारगेट तो है हमारा। डिस्क्लोज नहीं कर सकती अभी, थोड़ी गाने की लाइनें भी मोहित सर, यू बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज सच, किस तरह का गाना है, डेप्थ तो होगा ये, काफी स्वीटनेस भी होगा, बताइए कि क्या सिचुएशन और कैसा लगा आपको रिकॉर्डिंग का? बड़ा सुंदर गाना है, रोमांटिक गाना है, और मैंने अभी उसका फाइनल वर्जन तो नहीं सुना है, डब सुना है, और मैं आज यहाँ गाने के लिए आया हूँ गाने को, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग, और बहुत ग्रूवी गाना है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है आपको, क्या होता है जब आपको कोई अप्रोच करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर जो गाने होते हैं, तो व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया कि किस तरह गाने आपको मतलब गाने हैं? इंडिविजुअली मेरा तो क्राइटेरिया ये होता है कि गाना एक तो वल्गर नहीं होना चाहिए, और मुझे डबल मीनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे गाना, और गाने में डेप्थ होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो जो लोगों के दिल तक जाए, तो वही क्राइटेरिया होता है बस, बाकी तो सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, और फिल्म में तो हर फिल्म का एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे गाना होता है, पर उसमें कुछ एक डेप्थ होना चाहिए, कैच होना चाहिए कुछ, तब मज़ा आता है गाना गाने का, तो इसमें वो गाने में है वो। सर, एज यू नो कि मी टू जो कैंपेन है नेशनल लेवल इशू बन गया है, अनु मलिक जी ने इंडियन आइडल छोड़ दिया है, उन पे एक्यूजेशन लगा श्वेता पंडित जी और आसिर फिल्म के लिए सोना महापात्रा का, क्या कहना चाहेंगे थे, कितना ये नेगेटिव एस्पेक्ट छोड़ रहा है पूरे एनवायरनमेंट? सर मुझे लगता है आप सिर्फ कंट्रोवर्शियल इश्यूज को, मैं ओनली फिल्म की बात, सर आप बताइए सर किस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है आज फिल्म के बारे में, फिल्म के बारे में कुछ बताइए, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के बारे में बताते हैं। हां करें तो आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ है वो एक तो आइटम नंबर है, प्रियंका नेगी ने बहुत अच्छा गाया है, और सर गा रहे हैं एक रोमांटिक नंबर, ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर जो अभी हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, और संजीव जी चतुर्वेदी जी ने लिखा है, दोनों गाने लिखे हैं, फिल्म के सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। ओके, फिल्म की शूट हो चुकी है, कुछ फिल्म अभी शुरू होने वाला है, होने वाली, किस तरह की फिल्म है, थोड़ा फिल्म के बारे में बता दीजिए किस तरह की? फिल्म इज ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड ये फिल्म कश्मीर से शुरू होती है और बॉम्बे में आके खत्म होती है, सो या दैट्स व्हाट। ओके, इट इज अ रियल बेस्ड स्टोरी है या किसी के ऊपर आधारित है? कितना रिसर्च किया इस फिल्म में, क्योंकि इट इज ट्रैफिकिंग फिल्म है, तो कितना रिसर्च किया आप लोगों ने, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बाकी चीज तो एक्चुअली ये म्यूजिकल भी है, वी कैन टेल अबाउट द म्यूजिक पार्ट एंड द सॉन्ग्स, बाकी जितना हमें पता है इट्स ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड आई थिंक काफी मजा आने वाला है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दो लाइन सुनाएंगे आप गाना गा रही हैं कुछ? यस यस, आप दो लाइन नंबर गाया है इन्होंने। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू सिंग फॉर काशी जी एंड संजीव जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, काशी जी इज ऑलवेज बीन माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, एंड आज मोहित जी यहाँ पे आए हैं, सो मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूं, आई एम गोना सिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग विद मोहित जी, सो ये एक रोमांटिक नंबर है, और एक जबरदस्त आइटम नंबर भी गाया है इन्होंने, चाहेंगे कि दो लाइन
थोड़ा एक लाइन सुना दो पहले ये सॉफ्ट वाला ओके तू है मेरा तो क्या है कमी आसमां भी मुझे लगता है जमी तू तमन्ना मेरी तू मेरी तशनगी दूर नजरों से तू ना जाना कभी तेरी हर एक अदा दिलनशी आफरी तेरे नजरों से अटती नहीं बहुत अच्छा बहुत बढ़िया लिखा है संजू जी ने गाना हां लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हैं धुन भी बहुत बढ़िया बनाई गाने वाले अभी मजा आ जाएगा मेरे सिविलियन आपको जो ये गाना दिया गया था ये आपने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट देख के ये गाना लिखा है या पहले आपके गाने तैयार थे और दे दिया गया अभी आज के टाइम में मोस्टली डायरेक्टर अपनी कहानी के हिसाब से गीत एक्चुअली चाहते हैं तो ये इस गाने की सिचुएशन थी कि हमको इस तरह का गाना चाहिए था और उस पर ऑलरेडी काशी जी पहले एक धुन बना चुके थे बहुत प्यारी इसमें शब्दों की कमी थी केवल हाँ हा। तो फिर आया कि इसमें शब्द डालने हैं फिर शब्द डालने का काम मैंने क्योंकि ये कश्मीर से कहानी शुरू होती है तो कुछ उस लहजे के कुछ गाने इसमें एक्चुअली क्या है क्योंकि कश्मीर में उर्दू एक्चुअली शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर होता है तो हमने इसमें उर्दू शब्द इसमें ज़्यादा रखे हैं ज़्यादा नहीं उतनी रखा जैसे आटे में नमक क्योंकि हमको हिंदी फिल्म में अपने गाने चलाने होते हैं तो लोगों को उतना समझ में आता है कि आप आटे में नमक डालते हो तो बहुत ज़्यादा उर्दू नई जनरेशन के दिमाग से बाउंस हो जाता है मैं पहले लिखता था मेरे काफ़ी गाने आए थे इनमें उर्दू होती थी सुपर नानी फिल्म का एक गाना था माहरू दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल तो मेरा बेटा जब सुना तो मुझे बोला आप जो भी बनाते हो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता इवन उसके दोस्त भी बोल गए अरे आपको सिंपल नहीं बना सकते हो आप ऐसी ऐसी उर्दू करते हो तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने बड़े सिंपल सॉन्ग्स रखे क्योंकि मेरा मुझे बागी फिल्म का गाना था मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा एकदम सिंपल फिर हाउसफुल का गाना था नजेंगे जारी जारी रा टांग उठा के तो फिर वर्ड्स जो है बहुत सादा सादा रखने लगे कि लोगों को समझ में आए जो समझ में नहीं आएगा इसमें भी उर्दू है बट समझ में आएगी सारी उर्दू है ना आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड तलफ्फुज़ और गायकी क्योंकि मोहित सर की है इसमें तो जैसे बोलते हैं ना कि ये जिन शब्दों को छू लें या गुनगुना दें वो अपने आप में जो एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हम लोग को बड़ी खुशी मोहित सर एक्चुअली गाना गा रहे हैं एंड काशी जी एंड प्रियंका जी ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छा काम कर चुके हैं अब इनका वेट कर रहे हैं गायकी का इसमें मोहित जी अगर कुछ चंद लाइनें आप भी अगर नहीं मैं तो भी गाना गाऊंगा तो मैं गाने को थोड़ा जज्ब करूंगा फील करूंगा और उसके बाद फिर गाऊंगा ओके सर जस्ट दीपिका एंड रणवीर गेटिंग मैरिड कैन यू सिंग वन सॉन्ग फॉर द बोथ ऑफ देम एनी मैसेज यू वांट टू से बोथ ऑफ देम दीपिका एंड रणवीर गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट मंथ 14th एंड 15th ऑफ नवंबर एनीथिंग यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा बहुत बहुत मुबारकबाद उनको एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल दैट टू ब्यूटीफुल पीपल आर कमिंग टुगेदर सो आई रियली विश देम अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ मैम योर थॉट्स ऑन दैट एट लीस्ट आई डिडंट नो दैट रणवीर एंड वो हो रहे हैं मेरा तो दिल टूट गया बिकॉज आई लव रणवीर सभी लड़कियों का दिल टूटने वाला है दैट्स व्हाट आई वांट टू से बट विशिंग देम ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ एंड कुछ उनके लिए एक गाना हो जाए हाँ हो जाए गाना हो जाए आप आप सब तेरी सुना दो मुझे मेरी गाने ज़्यादा अच्छा लग रहा है साथ में सब तेरा हाँ शुरू कर सकते हैं मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा थैंक यू
रिकॉर्डिंग हो रही है सॉन्ग की, किस तरह के गाने आप गाने वाले हैं बताना चाहिए? नहीं मैं नहीं गाने वाली हूँ, मतलब इस फिल्म से किस तरह से आप जुड़े? ये फिल्म स्पेशली वुमेन ट्रैफिकिंग पे है, जिसमें एक कश्मीर में एक बोलते हैं कि 377 की धारा लगती है, जो अगर कश्मीर का कोई भी यहाँ पे आता है इंडिया में, आई मीन दिस साइड, तो उसका केस लॉन्च नहीं होता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे केस नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ से कश्मीर में जाते हैं उसको बोलते हैं 35 पे 377 की धारा, तो यहाँ का केस वहाँ पे नहीं दर्ज होता है, वहाँ का केस यहाँ पे दर्ज नहीं होता। तो स्पेशली ये वुमेन ट्रैफिकिंग पे है, तो अभी बस जल्दी हम शूट करने जा रहे हैं नवंबर में। ओके, किस तरह का आपका किरदार है, थोड़ा कुछ आप बताएंगे अपने? इसके बारे में मैं ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, बस यही बताया है कि ये सस्पेंस थ्रिलर है और पूरी बेस्ड जो स्टोरी है वो एक लड़की के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें काफ़ी सारे किरदार है, शायद आप लोगों को पता भी चल गया होगा कौन कौन है फिल्म में। रुस्लान है और मुकुल देव सर है। ओके, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन एक तो ये कि इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी और बहुत कम स्टोरीज ऐसी होती हैं जो वुमेन के ऊपर अपने बॉलीवुड में बहुत कम दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा यही था कि मुझे, जैसे मैंने स्टोरी सुना था कि मुझे यही करना है, क्योंकि एक तो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और दूसरा वुमेन ट्रैफिकिंग पे है, जो आज कल के टाइम में हो रहा है हमारे आसपास, हम इतना देखते हैं, तो स्पेशली वो उसके ऊपर है और स्पेशली कश्मीर का, और दहीसर चेकना का हमारी मूवी का नाम है, तो इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मेन जो हमारा टाइटल है वो इसी के ऊपर है। दहीसर चेकना का मतलब अजीब लग रहा है कि क्या ये मुंबई के एक इलाके में हो रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या है मतलब मैम? नहीं, मुंबई के एक इलाके में नहीं हो रहा है वुमेन ट्रैफिकिंग, आई थिंक हर जगह पे होता है वुमेन ट्रैफिकिंग। इट्स नॉट स्पेशली कि इन मुंबई, इट्स नॉट स्पेशली कि इन कश्मीर, इट्स नॉट स्पेशली इन दिल्ली, इट्स आई थिंक एवरीवेयर एंड वी नीड टू स्टॉप इट एंड वी आर आवर गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस एंड सब लोग बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये मूवी टोटली उसी के ऊपर बेस्ड है, तो हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या ये लड़की क्या करती है इन चीज़ों को लेके, बाकी आप लोगों को फिर मूवी में पता चलेगा। ओके, इसके अलावा बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रणवीर एंड दीपिका गेटिंग मैरिड, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? 14 आई एम रियली हैप्पी व्हेन आई हैव सीन द स्टेटस ऑन इंस्टाग्राम दैट दे आर गेटिंग मैरिड। आई मीन इट्स अमेजिंग थिंग कि इतने टाइम से वो लोग साथ में हैं, नाउ दे आर गेटिंग मैरिड और एकदम से रिवील किया, सो एवरीबॉडी इज हैप्पी आई गेस इन बॉलीवुड। कांग्रेचुलेशंस। सर, मैं तो एक तो इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और दूसरा मैंने पूरी फिल्म की कास्टिंग की है। अ बिग थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर अनिल नारायणी जी एंड हरेश पटेल जी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, एंड कंगना जी, नवीन प्रभाकर जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको मैंने लाइक फिल्म के लिए अप्रोच किया एंड दे सेड कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई वुड लव टू डू दिस फिल्म, एंड देन उसके बाद वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई है। एंड ये फिल्म जो मैं, वो जैसे सब लोग कहते हैं ना हटके है, वो मैं अभी नहीं बोलूँगा, वो रिलीज़ पे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वो टिपिकल लव स्टोरी या रोमांस व सस्पेंस व थ्रिलर नहीं है। आज जैसे यहाँ पर चल रहा है लाइक देख रहे हैं लव जिहाद और वुमेन ट्रैफिकिंग, उसके ऊपर बेसिकली इसमें फोकस किया गया इस फिल्म में कि किस तरीके से कश्मीर में एक हैप्पी फैमिली है, दो बहन हैं, माँ बाप हैं और वो अपना लाइफ अच्छे से जी रही हैं, और एक मुस्लिम लड़का उसको, उसकी जो छोटी बहन है उसको अपने प्यार में फंसा के उससे शादी करके, जो निकाह करते हैं इनफैक्ट वो लोग निकाह करके उनको ला के दहीसर में बेच देते हैं, और उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है। एंड फिर कंगना जी, क्योंकि ये घर की बड़ी बहन है, एक मैच्योर है, वो तो छोटी लड़की है जो इनकी जो सेकेंड बहन है, किस तरीके से वो आती हैं अपनी बहन को सर्च करने के लिए और क्या क्या यहाँ पे बीतता है, वो सारा चीज़ इस फिल्म में आपको दिखाया जाएगा। सर, जैसे बता रहे हैं आप कि कश्मीर में ज़्यादा शूटिंग हो रही है, जो भी कश्मीर से रिलेटेड है इसमें, बट दहीसर का नाम ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो क्या उसका कंपैरिजन है कश्मीर और दहीसर? इसमें इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि जब वो लड़का वहाँ लव जिहाद करता है, जब वो लड़की से शादी करके उसको यहाँ ला के मतलब बेचता है, तो वो दहीसर में ही वो बेचता है, डांस बार में। वो एक 18 साल 19 साल की एक ब्यूटीफुल क्यूट सी लड़की है, और एक तो उस बंदे को लव जिहाद के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ लाने के बाद, क्योंकि वो एक यंग टीनेजर लड़की है, तो उसको बेचने पे उसे बहुत पैसा मिल रहा है दहीसर में। जनरली क्या होता है कि लाइक आप ये मूवी लीजिए,
जो कई लोगों का रहता है एजेंडा, नहीं नहीं इससे पॉलिटिकल इशू कुछ नहीं है बॉस, ये सिंपल सादी एक फिल्म है, इसमें कोई भी लाइक पॉलिटिकल पार्टी या मोदी जी या योगी जी या किसी भी कोई उस एंगल से नहीं है, जस्ट ऑन वुमेन ट्रैफिकिंग। आप अपने आसपास इतनी सारी चीजें देखते हो तो जस्ट इट डिपेंड्स ऑन देम। आज देखिए ना यार, आप सबको पता होगा बांग्लादेश नेपाल कई जगह से लड़कियां लाई जाती हैं, बेचा जाता है, बहुत सारी फिल्में इसके ऊपर तमिल में तेलुगु में बन चुके हैं, हिंदी में शायद पहली बार ऐसा बन रहा है जो वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर फोकस करके बन रही है। तो जैसे माना जाता है कि मुंबई शूटिंग का गढ़ है, बॉलीवुड का गढ़ है, लेकिन दही सर को स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है आप लोगों ने। हाँ, उस पे एक बहुत ज़्यादा सस्पेंस है जो आपको थोड़े से दिन में पता चल जाएगा। उसका मेन एक रीज़न भी है जो आपको थोड़े से दिन में पता चल जाएगा, बिकॉज हम अभी नवंबर में शूट करने जा रहे हैं, तो अभी पूरी स्टोरी पूछना चाहते हो क्या? थैंक यू सर।